जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। आज हम आपको अपनी कन्या राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। कन्या राशि के बारे में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है, अगर आप परेशान हैं परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिखती है, कोई भी, चाहे कुछ भी हो, तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपको जैसे ही मेरे पर टाइम होगा जवाब दूंगी। दूसरी बात, कॉल मत कीजिएगा, किसी भी तरह से कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल नहीं ले पाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों में कैसा रहेगा आपका दिन। आपको स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। धन संपत्ति के मामले में मुझे आपका दिन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपके खर्चे बहुत हों, बाकी आपका दिन ठीक ठाक ही है। तो ऊर्जा आपके अंदर प्रचुर मात्रा में रहेगी, स्वस्थ फील करेंगे, खुशहाल रहेंगे और किसी के व्यवहार से थोड़ी सी आपको खींच उठ सकती है, उससे आपको बस बचना है। आर्थिक परेशानी का थोड़ा सा सामना कर सकता है, हो सकता है आपके पॉकेट में पैसे ना रहे और आपको कोई चीज़ लेनी हो, खरीदनी हो, लेकिन जी पैसे ही कम पड़ जाएं, शॉर्ट पड़ जाएं, ऐसा हो सकता है। तो पैसे का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ज़रूरत के हिसाब से जो खर्चे आपके आए होंगे वो उसको निपटाने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। और थोड़ा आपको सावधानी रखना है, घर को सजाने संवारने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं, आप लवमेट हैं, तो उनके साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप है। थोड़ा सा तनातनी हो सकती है, थोड़ी सी उलझन हो सकती है, लेकिन फिर भी टाइम अच्छा है, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। और व्यवसाय में आपके लोग प्रशंसा करेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे। शादीशुदा अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप अपनी पत्नी की या अपने पति की कदर करेंगे और अपने जो विचार है उनकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो है आपका नॉर्मल जो है आपका राशिफल है, और कन्या राशि वालों का जो जनरल राशिफल है वो यही बताया है। और अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो कुछ समय के लिए आपको माता दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करना चाहिए। मैं हमेशा से भगवान शिव के जो परिवार है उस पर विश्वास रखती हूँ, तो दुर्गा जी भी कोई और नहीं बल्कि माँ आदिशक्ति हैं, भगवान शिव की पत्नी ही हैं। तो आप उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, और जब भी आप कोई दुर्गा देवी का या किसी भी देवता का कोई संकल्प लेके पूजा करते हैं तो आपको नीचे ज़मीन पे फर्श पे चटाई लगा के सोना चाहिए। तो कुछ दिन आप पूजा कीजिए, साथ में चटाई लगा के सोएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ये जो टोटके होते हैं ये लाल किताब के टोटके होते हैं, और वैसे भी जो देवी देवता हैं उनकी जब आराधना करते हैं तो हमको ज़मीन पर ही सोना चाहिए, तब बिस्तर का त्याग कर देता है, यानी चारपाई का त्याग किया जाता है उन दिनों में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है आती है, तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू।